पेट्रोलचे भाव कमी करा, नाहीतर खुर्ची खाली करा। पेट्रोलचे भाव कमी करा, नाहीतर खुर्ची खाली करा। भारत माता की जय। भाव बढ़ाया था पेट्रोल, जिस तरह से आपके जो अपोजिट के लोग हैं उन लोग प्रोटेस्ट करते, उस समय क्यों भाजपा नहीं बोली थी, लेकिन आज भाजपा के लोग देखो पेट्रोल और डीजल के रेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों से तय होते हैं। कोविड की महामारी होने के बाद भी केंद्र सरकार को जीएसटी, एक्साइज, बाकी सभी जगह से भी जो टैक्सी से वो कम मतलब आ रहे थे 1.5-2 साल में, तो भी केंद्र सरकार ने निर्णय लेके दिवाली के दिनों में पूरे देश के लोगों को राहत दी और एक्साइज और वैट कम किए। हमारी ऐसी मांग है महाराष्ट्र सरकार से कि 4-8 दिन पहले आप साइकिल लेके, बैलगाड़ी लेके रोड पे उतरे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, वो लोग कहाँ गए? आज जब केंद्र सरकार ने डीजल पे 10 रुपया और पेट्रोल पे 5 रुपया कम किया, तो महाराष्ट्र सरकार को जो ऐसी समृद्ध सरकार है जिसको वो दारू में या इतर जगह से सबसे ज़्यादा देश के अंदर एक्साइज आता है, तो उनको सबसे पहले आगे आके एक्साइज और वेट कम करना चाहिए जिससे आम लोगों को, किसानों को राहत मिले। ऐसी हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की मांग है। हम माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी मुंबई अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे तेजेंद्र सिंह तिवाना जो युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अभी हम एक कलेक्टर जी को आवेदन भी देने वाले हैं कि अगर ये दर कम नहीं हुए तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। क्या वजह रही कि आपके अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है, तेजेंद्र सिंह तिवाना? हमारे अध्यक्ष जी जो देश की रीढ़ है, जो हमारी एक शान है आरएसएस, उसके कुछ प्राथमिक जिसका प्राथमिक होता है उसके अंदर वो व्यस्त है, उस कारण से वो यहाँ पे हाजिर नहीं है। अमर जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट से, क्या लगता है यहाँ की सरकार आपकी बात को मानकर और ये रेट कम करेगी? हमारी यहाँ की सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, सबसे पहले तो मैं महाविकास आघाड़ी के जो थोड़े दिन पहले साइकिल पे निकले थे कि दर कमी करो, आज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साइकिल पे निकलो और आपके विधान भवन पे जाओ मुंबई में और वहाँ जाके प्रोटेस्ट कीजिए कि अभी महाराष्ट्र केंद्र सरकार ने दर कमी किया है, तो आप भी कीजिए और आपकी महाराष्ट्र सरकार से अपील कीजिए कि सरकार साइकिल पे जाके दर कम करे। और दूसरा बेसिकली कि जैसे केंद्र सरकार ने दर कम किया, महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शेतकरी है उनका जो खाना और वो सब जो आता है वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते इधर आता है, तो उसकी इफेक्ट हमारे सभी के कंज्यूमर गुड्स पे पड़ती है, उससे भी वो कम होएगी। तो आज हम फिर से सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इंसानियत दिखाइए। उन्होंने सीधा बोल दिया हम ही कमी करना नहीं, कमी अजीबात कमी करना नहीं, थोड़ी इंसानियत दिखाइए। केंद्र सरकार ने बड़ा दिल करके पूरे देश में कम किया है, बाकी के भी बहुत सारे राज्यों ने भी कम किया है, तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो भी कम करें और सामान्य नागरिक की थोड़ी चिंता करें। तो आज कलेक्टर ऑफिस में आप जो लेटर देने वाले, पत्र देने वाले, इसके बाद भी अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं होता तो आगे आप महाराष्ट्र की जनता को हमारा लेटर देने के बाद भी अगर महाराष्ट्र ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसने राहत नहीं दी, तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह तिवाना जी के नेतृत्व में इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे।